नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सलाम अलैकुम देवी और देवताओं भूत चड़ैल आत्माओं स्वागत है। बढ़िया है खेल कराता सबका मेल जो बीच में टट्टी सूसू को भी गया बना दूंगा उसकी रेल। अरे बाबा क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया। ये केबीसी चल रहा है कि मुशायरा चल रहा है? लंबू है देवियों सज्जनों, सबसे पहले हम खेलेंगे हवा। हाय ये बीच बीच में है क्या, मतलब क्या बात है? है अरे मुझे क्या पता, हर बार मुझसे पूछता है। आइए आइए, क्या नाम है आपका? मैं चाचा हूँ। आइए चाचा जी बैठिए हॉट सीट पर। अरे पागल समझा है क्या? हाँ बैठिए हॉट सीट पर। जब बैठिए ना अपने हॉट सीट पर बैठिए। क्या मेरी पे बैठोगे? हॉट सीट पे क्यों बैठे, मेरा जल जाएगा भाई भटूरा। हाँ? देख इस पे तो बर्फ भी ना लगती, फिसल जावे बर्फ। एक बार भी भटूरा जल जाए इस पे दवाई ना लगती है ढंग से। गरम सीट पे बैठा आगा। अरे मेरा मतलब मतलब कि ये अद्भुत अदृश्य अजीब सा अकचुब। हाँ रहन दे कोई बात नहीं, हम समझ गए, तू खेल शुरू कर। अच्छा सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका क्या व्यापार है, क्या करते हैं आप? तू क्या ले इस बात से, अपना खेल शुरू कर आचल। ये भाई साहब जरा आराम से बैठ जाएंगे। एक मिनट जरा थोड़ा सा उधर को यो हट जाड़ी दे, एकदम से पकड़ना है मुझे इसको जाके। ये अरे दो दूर हट गए, ये मेरे फैंस हैं। अरे कुछ नहीं सब बकवास दिखा रखा है। हाँ जी हाँ, पिक्चरों में तो बता रहे थे डॉन को पकड़ना मुश्किल है, ये तो एक ही मिनट में पकड़ में आ गया, भाग भी ना पाया। अरे वो तो पिक्चर के डायलॉग है। चुप रह चल। हाँ सवाल पूछ ले चुपचाप। बहुत ही बदतमीज चाचा हैं आप। तो चाचा जी सबसे पहला सवाल 150 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। मेरे पे नहीं आया। आएगा अभी, आ रहा है देखिए ये। अरे नहीं आ रहा। ये आईटी वालों को बोलो कि लैपटॉप ठीक काम नहीं कर रहा भाई। हाँ अरे चल जा वैसे ही बड़ी मुश्किल। हाँ चल गया। हाँ भाई सवाल भेज दे। हाँ 150 रुपए के लिए चाचा जी। अरे सुन ले एक बार में, आगे बोल। अब आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर पे सवाल आ रहा, देख लेना उसे, मेरी शक्ल क्या देख रहा है। सवाल जरा पढ़ के भी बताओ। तो चाचा जी 150 रुपए के लिए जो सवाल है वो आपके लिए ये है कि जब भी हम कुतुब मीनार से नीचे झांकते हैं तो हमको कितनी चींटी दिखती हैं? ए 5 चींटी, बी 3 चींटी, सी 25 चींटी और डी हमें का पता। हाँ तो डी को लॉक कर दो भाई। हाँ? एक बार में सुनाई नहीं देता। तो कंप्यूटर जी जैसा कि आपने सुना चाचा जी ने कहा है डी को लॉक किया जाए। वाह 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 अद्भुत, वाह क्या बात है चाचा जी, 150 रुपए के लिए जो सवाल था वो आप जीत गए। वाह शर्म जी आ रही है, पुष्पा भी देख रही होगी टीवी। ये पुष्पा के बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ पिटवा दे मुझे पड़ोसी से, तुझे और बता दूं पुष्पा के बारे में, अपना काम कर। एक मिनट भाई साहब, हेलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ क्या है? ये बार बार आप क्या कर रहे हैं इससे? अरे मैं सोचा यहाँ बैठा हूँ जब तक तुम उसके साथ खेल रहे हो तो थोड़ा बात ही कर लें घर पे। बात कर लें घर पे? हाँ ये जो है दिया है इसमें तुमने 1 2 3 4 ही दे रखा, बाकी के बटन कहाँ है, कैसे दबेगा ये फोन, कैसे मिलेगा? अरे ये फोन नहीं है भाई, ये वोट करने के लिए है, वोट देने के लिए मशीन है। अरे छीन लो इससे कोई, कैसे कैसे आदमी बैठ गए हैं। सवाल पूछ। हाँ वो दूसरा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है 325 रुपए के लिए। ये जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था उस समय ग्राउंड में कितनी औरतें पिंक साड़ी में बैठी थी? यार सबसे पहले तू ये सुन ले लंबू। हाँ हाई। हाँ कि कपिल देव ने नहीं इंडिया ने जीता था। पता है कुछ? हाँ वही मतलब है, ज्यादा अपने को हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? हाँ ये गुस्से में है। हाँ सवाल एक बार फिर, तो उस समय मैदान में गुलाबी साड़ी में कितनी औरतें बैठी थी? हाई हैं? हाँ ए 2 बैठी थी, बी 3 बैठी थी, सी 50 बैठी थी या डी हमें क्या पता। हाँ ये हमें, ये डी वाला हमें क्या पता। कंप्यूटर जी आपने सुनी लिया होगा तो कर दो लॉक डी को। वाह 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 चाचा जी आप जीत गए 350+150। कितना होता है मुझे क्या पता। हाँ? हाँ अब ये तीसरा सवाल 125 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा अपॉन टू। क्या है भाई, क्या? एक मिनट, हेलो, मैं फोन फ्रेंड करना चाहूंगा। डर गए आए? अरे भैया, ऑप्शन से पहले ही डर गए। तू फोन मिला दे। आए, किसको मिलाना चाहेंगे बताएं? हमारे एक मित्र हैं, बड़े प्यारे, सुभाष को मिलाना चाहूंगा मैं। तो कंप्यूटर जी, सुभाष जी को फोन मिला जाए। नंबर बताएगा, ऐसे ही मिला दूं? हाँ, अब नंबर। हेलो सुभाष जी। अरे क्या है? ये कौन बने करोड़पति से? मैं अमिताभ चप्पन बोल रहा हूँ। हाँ फिर है? अरे फिर आगे क्या करूं? आपके ये मित्र चाचा जी हॉट सीट पे बैठे हैं। हाँ, तब उसके क्रीम लगा तो हमें फोन क्यों कर रहा है? सारे ही ऐसे हैं क्या? मेरा मतलब है कि जी, वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? उसके चार ऑप्शन हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा है तू? तीन चार दिन से हमारा। अरे वो फोन में कुछ खराबी थी। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आपका समय बीता जा रहा है, सवाल पढ़ लीजिए भाई। तू ज्यादा क्यों परेशान हो रहा है? दो मिनट रुक जा भी। अरे आपका समय फटाफ चुप, एकदम सटअप, अभी मैं बात करूंगा। हाँ भाई, और घर पे कैसे हैं सब? हाँ घर पे सब बढ़िया हैं। मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है? आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है चाचा जी। और बताइए आप। 3 दिन से तू मेरे पैसे नहीं पहुंचा रहा है, हैं? और मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लड़का भेजा तो घर में अंदर होने के बाद कहता तू कि तू घर पे नहीं है, हैं भाई? ये भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पर्सनल बातें करने के लिए फोन नहीं है। तू चुप रहना यार एक मिनट। मेरा फोन नहीं उठा रहा वो 3 दिन से। इसने मुझसे ब्याज पे पैसा ले रखा भाई, डेली के 10 रुपए घर पहुंचावे। अरे यार ये कॉल कट गई। हाँ तो ठीक है, हमारी बात हो गई। हमने जो जीते पैसे दिए हम चले घर। ये क्या बदतमीजी है भाई? चुप रह, चल। ये आप लोग क्या दांत दिखा दिखा कैसे हो? मेरे को अगला कंटेस्टेंट भैया चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताओ।